Shut up and sit down. रंजक तरीके से कैसे पढ़ाना है इसके लिए शिक्षकों को तैयार किया जा रहा है। बाकायदा उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि किस तरह से बच्चों को अब अच्छी शिक्षा दी जाए, वह भी उनकी रुचि के अनुसार। उन्हें ऐसा पढ़ाया जाए कि उनको पढ़ने में भी आनंद आए और उन्हें अच्छी शिक्षा मिल सके। कुछ स्कूलों में कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि शिक्षकों को बताया जा रहा है कि वह कैसे अच्छे तरीके से, मनोरंजन तरीके से इन विद्यार्थियों को पढ़ाएं। जो वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं उसमें यही है कि कविता के माध्यम से समझाया जा रहा है शिक्षकों को कि वह विद्यार्थियों को मज़े मज़े में किस तरह से शिक्षा दे सकते हैं, बच्चों को मनोरंजक तरीके से भी पढ़ाया जा सकता है। तो ये वीडियो देखिए और समझिए कि आने वाले समय में किस तरह से विद्यार्थियों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा दी जाएगी। ये बात वैसे तो माहौल अपने आप ही बन गया है, लेकिन मेरी जो गतिविधि है वो है मुहावरों से संबंधित। मुहावरे अगर हम अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं तो कहते हैं ना, चार चांद लग गया भाषा में। और ज्यादातर आजकल के बच्चे जो हैं वो क्योंकि हिंदी और अंग्रेजी मिला के बोलते हैं, मुहावरों का प्रयोग सही से जानते नहीं, तो मुहावरों का कैसे हम जो है वो एक इंटरेस्ट, एक रुचि जागृत की जाए बच्चों के अंदर, उसके लिए एक छोटा सा उपाय सोचा है। कुछ सुना रही हूं आपको, केवल सुनना नहीं है, मुहावरे पकड़ने हैं। ठीक है, मुहावरों का जाल फेंक रही हूं, आपको मुहावरे पकड़ने हैं। तो कविता को ध्यान से सुनिए और जहां जहां आपको मुहावरे नजर आते हैं, और मुहावरे विशेषकर एक ही अंग से संबंधित हैं, हमारे शरीर के किसी एक अंग से संबंधित हैं। और कविता का शीर्षक है 2.5 इंच की जुबान। तो जाहिर सी बात है किस पर है, जुबान पर है। ये 2.5 इंच की जुबान क्या क्या कर दिखलाती है। लोग कहते हैं कि ये 2.5 गज की भी हो जाती है, जाने कैसे कैसे कमाल कर दिखलाती है। कहने को तो चमड़े की नाजुक नरम सी है, पर बात लठ मार कह जाती है। कभी तल्ख होकर खंजर, बर्छी और कटार बन जाती है। कभी ये जुबान तल्ख होकर खंजर, बर्छी और कटार बन जाती है। मीठा खाकर भी रहती है कड़वी कभी जुबान, मीठा खाकर भी रहती है कड़वी कभी जुबान, तो कभी मिठास गुल, मिठास गुल शहद और मिश्री बन जाती है। जुबान के पैर नहीं होते साहब, जुबान के पैर नहीं होते साहब, फिर भी जाने कैसे जुबान चल जाती है। जब कैंची की तरह चलती है ये जुबान, जब कैंची की तरह चलती है ये जुबान, रिश्तों को कतर जाती है। कभी बेशर्मी से लड़ाई जाती है जुबान, कभी बेशर्मी से लड़ाई जाती है जुबान, तो कभी मौका देखकर जुबान पलट दी जाती है। ना काई ना फिसलन ना चलती है एक कदम, फिर भी जाने कैसे ये जुबान फिसल जाती है। कोई चीज तो नहीं कि किसी को दे दी जाए, ये कोई चीज तो नहीं जो किसी को दे दी जाए, फिर भी देखिए जुबान दे दी जाती है। कुछ बातें जुबान पर चढ़ी होती हैं कभी, कुछ बातें जुबान पर चढ़ी होती हैं कभी, तो जुबान की नोक पर रख लिया जाता है किसी को, तो जुबान की नोक पर रख लिया जाता है किसी को। यूं तो मुंह के अंदर 32 दांतों के बीच रहती है महफूज, यूं तो मुंह के अंदर 32 दांतों के बीच रहती है महफूज, फिर भी जुबान संभाल कर बोलने की सलाह दी जाती है। जरा सी जुबान की हरकत और हड्डियां और दांतों पर बनाती है, गुस्साखी करे ये और तोड़े दांत और हड्डियां जाती हैं। उल्टा भी हुआ है यूं तो कभी जुबान के साथ भी, उल्टा भी हुआ है यूं तो कभी जुबान के साथ भी, पाई है सजा इसने कभी भी, कभी कभी बेबात भी। कुछ गलत बोलने लगते हैं तो दांतों तले जुबान ही दबा ली जाती है, कुछ गलत बोलने लगते हैं तो दांतों तले जुबान ही दबा ली जाती है। जुबान पर कोई कुंडी या सांकल भले ही ना हो, मगर कभी कभी जुबान पर ताला लग जाता है, तो कभी बिना जेल के ही जुबान बंद कर दी जाती है। कभी जुबान पर ताला लग जाता है तो कभी बिना जेल के ही जुबान बंद कर दी जाती है। बिना हिले, इसके बिना हिले तो निकलते नहीं बोल, ना जाने कैसे दबी जुबान में बात कर लेते हैं बोल लोग।
कभी देखा है जुबान हिलाए बिना बात कर ली जाए, तो कैसे कहा जाता है कि ना जाने कैसे दबी जुबान में बात कर लेते हैं लोग। सरस्वती आन बसती है इस पर कभी, सरस्वती आन बसती है इस पर कभी, और कभी कभी जुबान खींच ली जाती है। तो यही बेहतर होगा जुबान जनाब, तो यही बेहतर होगा जनाब कि जुबान पर काबू रखिए। ना सही एक घोड़ा, ना सही एक घोड़ा एक छोटी सी जुबान ही है, पर हुजूर जरा इस जुबान पर लगाम लगा कर रखिए। ये थी जुबान की कहानी। अब बताओगे कि कितने कितने मुहावरे पकड़े गए। अच्छा, एक मुहावरा अगर खड़े होकर बोल दिया जाता है तो दोबारा उस मुहावरे को कोई और रिपीट नहीं करेगा, ठीक है। अंजुमन चेक करें कितने कितने मुहावरे पकड़े जा रहे हैं। हाँ जी बताइए, कौन कौन बताना शुरू करें। आप बताइए। जुबान के साथ जाना, जुबान खींच लेना। अच्छा, जब तक ये चल रहा है तब तक मैं अपने एक साथी को बुलाऊंगी, सीमा को बुलाती हूँ मैं। और ये डिप्टी जो मैं खोल रही हूँ इसके अंदर बहुत सारी पर्चियाँ हैं, ढाई इंच की जुबान जिसमें